सो हेलो, किसके हाल चाल? उस वीडियो को स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैं चुका हूँ पायलट प्लाजा में और यहाँ पर देखना एक स्क्वाड आती है, सिर्फ एक स्क्वाड, बोले तो चार बंदे, और देखना उसी एक स्क्वाड को मारने में मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा, यूजुअली जितना लगता है उससे बहुत ज़्यादा। मैं इसकी करके देखो दूसरी बिल्डिंग की तरफ आया क्योंकि उन बिल्डिंग की तरफ कोई भी नहीं था और यहाँ थोड़े बहुत फुटस्टेप्स आते हैं, मतलब एक या दो। अब मैं कुछ ज़्यादा एडवांस यहाँ पर चल रहा था, ग्रेनेड मेरे टॉस कर लिया, मुझे लगा वो भागा भागा, उसने मेरे को देख लिया तो शायद मेरी तरफ आ जाएगा वो, पर नहीं, वो बंदा तो आगे की तरफ ही निकल गया। लेकिन इसके टीम बेटे शूट करने का ट्राई कर रहा, मुझे लगा वही आगे की तरफ आ जाए। ग्रेट, फुटस्टेप तो आ रहे हैं पर वो फुटस्टेप आगे की तरफ जा रहे थे, मतलब बंदा आगे की तरफ जा रहा था। यार क्यों भाई, हम भी दो हैं तुम भी दो हो, आके फाइट करो ना, क्या दिक्कत है? मे बी कुछ और टैक्टिक्स अप्लाई करना चाह रहे हो। वो बंदा क्या कर रहे हो भाई, कन्फ्यूज कर दिया मेरे को, कभी अंदर जा रहा था कभी बाहर की तरफ आ रहा था, अब फाइनली बाहर। बहुत ही आसान था भाई इनको तो मार रहा, फालतू में मैं अपने टीममेट को बुलाया, अकेला भी संभाल सकता था। मेरे को स्कारल उठानी थी और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता, चलो स्कारल तो मैंने उठा ली, लेकिन उस क्रेट में यार फ्लेयर भी थी अगर तुमने देखा हो तो, वो मेरे को लूटनी। अब सामने ट्रक पे बंदा टीपीपी ले रहा है और उसे पता है मैं लूटने आऊंगा क्योंकि उसने एक सेकंड उप्स ग्रेनेड वगैरह फेंके जा रहे हैं। मैंने सोचा कोई नहीं, एक ही फेंका बाहर, एक और फेंका, एक और, बैक टू बैक इतनी जल्दी कौन कैसे फेंक सकता है यार, थोड़ा बहुत टॉस भी करने का होता बीड़ू। मैंने ट्राई करा कोई एंगल मिल जाए बट नहीं, वो बिल्कुल उस टायर के पीछे था, लेकिन मैं तो ठहरा ढीठ आदमी, मैं फिर भी लूटने आया। देखो एक सेकंड के लिए जा रहा था, फिर एक सेकंड के लिए अंदर कवर में, मेरे को फ्लेयर चाहिए थी, मुझे लगा मैंने एमो उठा लिए बट नहीं, एमो नहीं उठाए, M4 उठा ली, लेकिन अब फ्लेयर का एमो तो भूल ही गया यार। मैंने चेक करी, मुझे लगा मैंने क्लिक कर दिया होगा बट नहीं, अभी वापस एक बार मेरे को रिस्क लेना पड़ेगा। उठा फ्लेयर, हाँ नहीं, लड़का नहीं, वो लड़का मैं हूँ एक्चुअली, जो कि बेशर्मों की तरह लूटे जा रहा है। वो बंदा ऑलमोस्ट आ ही चुका है, आ ही गया, अरे खत्म हूँ मैं, अरे मर गया। अजीब बंदा था कसम से, सच में अजीब बंदा था, मैं दो बार मार देता ऐसे में। अब उसे ग्रेनेड वगैरह टॉस करा तो मैं तो सही कवर में हूँ, वहां से इस तरफ ग्रेनेड आ ही नहीं सकता, दरवाजे मैंने दोनों बंद कर दिए। उसका ग्रेनेड फटेगा भी कि नहीं यार, कब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे मित्र, मारना मेरे को ये से, लेकिन मैं बोल भी कह सकता हूँ यार, ये मेरी हेल्थ की तरफ नजर डालोगे तो पता चलेगा कि मैं अभी लिटरली एक बोट से भी नहीं लड़ सकता सामने सामने, वो भी टिक टिक करके मार देगा। बट फिर भी मैंने टीममेट से पता नहीं किस कॉन्फिडेंस पे कह रहे कि नहीं मैं ही मारेगा इसको, भले कितना टाइम लग जाए, कहीं ना कहीं तो हीलिंग मिल ही जाएगी यार। लेकिन मैं पीछे वाली बिल्डिंग भी चेक कराया और मुझे लगता ओपन में ये लोग जाने देंगे, बट स्टिल यार डू और डाई करना था, अगर मेरे को पूरे चार किल्स यहाँ से लेने हैं तो मुझे करना पड़ेगा। मैं ऊपर की तरफ आया, यहाँ भी कोई हीलिंग नहीं मिली मुझे, लेकिन ये बंदे मेरे को पेड़ के पास, आई मीन ये जो ट्रक है इसके पास अब दिख नहीं रहे, आई मीन ऊपर से थोड़ा बढ़िया ऊपर से व्यू मिल गया ना मुझे, बिल्कुल अगर होते तो अभी ये पक्का शूट करते। तो मैं स्की करके मैंने सोचा क्यों ना ये जो ऊपर एक BRD में इन्होंने मंगा रखी ना वहाँ पर चला जाता, अगर तुमने नोटिस करा हो तो। बट उससे पहले मुझे ये दिख जाता है और ये खत्म है ऑलमोस्ट। ग्रेट, नॉक करा इसको मैंने और बड़ा रिलीफ मिला क्योंकि लग नहीं रहा था मैं इतनी हेल्थ में कर पाऊंगा कुछ, पर बात बन जाती है मेरे दोस्त। और ये भी नॉक हुआ है तो मे बी इसका कोई ना कोई टीममेट भी होगा, मैं बता रहा था ना दो बंदे हैं। और वो देखो आपको सामने शायद एक दिख भी क्या होगा, मुझे बॉट लग रहा था बट जिस तरह से लेफ्ट राइट जा रहा था ना, जैसे मैं जा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे जा रहा था, तो मतलब असली बंदा ही है, इतनी तेज बॉट्स नहीं भागते हैं। ओके ऑलमोस्ट खत्म, गाड़ी में बैठ गया तो खत्म है ये। और गैस मुझे समझ ये नहीं आ रहा था कि दो बंदे वो दो ये, तो भाई तुम फिनिश क्यों नहीं हो रहे डायरेक्ट, कितने कितने टीम्स आए थे यहाँ पे, शायद वो दो बंदे अलग टीम के थे और ये दो अलग, और इन दो का तीसरा बंदा शायद अभी आया है, या फिर ये भी किसी और टीम का, ये भी डायरेक्ट नॉक होएगा। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ये बंदा भी नॉक किया होता लेकिन जरूरी नहीं है किसी और टीम का हो, क्योंकि ये देखो दो बंदे थे, तीसरा ये और चौथा भी कहीं ना कहीं हो गई। भाई खेलते क्यों यार जब तुम्हें मतलब अलग अलग ही रहना होता, मेरे ख्याल से ये पक्का रैंडम्स थे। कोई नहीं, मेरे को तो 5 किल मेरे मिल जाते हैं, गाड़ी लेकर मैं जोन की तरफ ही जाऊँगा ऑफकोर्स। और यहाँ कुछ सुना मुझे, हाँ बस यही है, गोली सुनी बिल्कुल, तो मैंने भी ज़्यादा सीरियस लिया नहीं, लेकिन जब मेरी नज़र वहाँ पर गई किधर गाड़ी चली हुई और मस्त M4 चली जा रही है, तो मैं चल दिया भाई, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, और दूर से तो कोई दिख नहीं रहा है लेकिन वहाँ अंदर कुछ बंदे पेटी लूटते मुझे जरूर दिख रहे हैं। और मेरे टीममेट की मोली मेरे बहुत काम आती है, Watch out.
क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा यार, मेरे टीम मैंने जो मोली फेंकी ना उसी से दोनों 30% लो हो जाते हैं, दोनों के दोनों बंदे, दोनों के दोनों जल जाते हैं। तो बस मुझे कुछ एक गोली उस पर मारनी पड़ी, दो तीन उस पर मारनी पड़ी, बात बन जाती है। और यार अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर इसी तरह के पब्जी मोबाइल नेट गेम प्ले तुम्हें देखना पसंद है तो। जो भी हो, 7 किल्स मेरे हो जाते हैं। मैं गाड़ी लेकर सेंट्रल रोड के पास आया, एक्चुअली मैं जोन के बाहर चेक करना था क्योंकि मैं अभी जोन के अंदर से आ रहा था पर वहाँ कोई भी नहीं था, तो मैं बस गाड़ी ऐसे घुमा के वापस जोन की तरफ जाता हूँ और टीममेट ने मुझे अलर्ट करा। अब चलती गाड़ी में कोई मार्क लगा देना तो कभी भी ढंग से लगता नहीं, लेकिन मेरे टीममेट ने सही से लगा दिया उस तरफ, कहीं उसके कहने का मतलब था। गाड़ी मुझे दिख चुकी थी और दूर से तो एक दो बंदे ही लग रहे, तो मैंने गाड़ी ठोक दी, आगे लगा दी बिल्कुल, लेकिन ये निकल जाता। मैं समझ ओके भाई, मुझे लगा था कि बस एक दो बंदे ही होंगे इसलिए वो डर के निकल गए कि हमें फाइट नहीं करनी, पर ना भाई फाइट बैक करना आ चुके थे बंदे, गाड़ी की हालत काफी हद तक टाइट कर दिया। अगर कुछ देर और हम ओपन में ही रहना ऐसे तो वो इजीली हमारी गाड़ी फोड़ देंगे। 3 बंदे तो पक्का है क्योंकि 2 बंदे अपनी गन निकाल गए। हाँ भाई, सोचा तो ये था कि बिल्कुल ब्रिज के उस तरफ जाके प्रोन होकर स्प्रे मारूंगा, सारे बंदे गाड़ी से उतर जाएंगे, पर कोई नहीं, नहीं है तो क्या होगा, बंदों का दिखना ज्यादा जरूरी है भाई, जो कि मुझे दिख रहे थे और इजीली मैंने नॉक कर दिया। अब सामने 4 बंदे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नॉक्ड है, पर गाइस एक बंदा यहां पे बढ़ जाता है। मैं बताऊं कैसे, कौन है भाई ये, कितना बचने का ट्राई करा मैंने, लेकिन इस कारल वाले ने मेरी हेल्थ की ऐसी तैसी कर दी। मैं थोड़ा स्मार्ट बनने का ट्राई करता हूं, पर लेकिन मेरी स्मार्टनेस यहाँ पे डार्कनेस में बदल गई। और देखा जाए तो मेरी किस्मत में मेरा काफी लंबा साथ दिया यार, मतलब मैं गाड़ी में बैठा रहा, मुझे लगा वो मार देगा पर टोम भी चला जा रहा है, उससे गोली नहीं लग रही। क्या बताऊँ, मैं खुश होने का ट्राई कर रहा हूँ बस फालतू में। वो जो एक बंदा था ना स्कारल वाला, उसने पूरे मैच को बर्बाद कर दिया। ये वाले मैच में आया देखो, ओल्ड बस से उतरते मुझे एक के मिलती है और तुम देख ही पा रहे होगे बिल्कुल, क्या बताऊँ, पतंगे कट रही है ऊपर से, देख रहे हो 2 बंदे यहाँ आ चुके हैं। और इसलिए कहते हैं मनुष्य को कभी डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए, वो एक बार उसके मारा, एक बार उसके, एक ही के मार देता ना जो ऊपर था तो पक्का वो नोक हो जाता। कोई नहीं, मेरे को लगा ये M4 है, पर बस ये मेरे साथ इतने सालों से होता आ रहा है ना, दूर से हमेशा। ऐसा ही लगेगा कि सामने M4 है पर M16 निकलती है, मेरे को देखो पीछे से भी पड़ रही थी, तो पहले मैं इसी तरफ आ जाता हूँ कि अपना किल सिक्योर कर रहे थे, बाद में देखेंगे जो होगा। अब क्योंकि देखो ग्राउंड लेवल से तो कुछ दिखेगा नहीं, तो मैं जल्दी से ऊपर की तरफ जाता हूँ कि देखे तो सही कौन कहाँ छुप रखा है। देखो एक तो मेरे फेरोटो वाले घर की तरफ भी बंदे हैं, पर यहाँ तुमने देखा कोई ना कोई नॉक था या फिर वो उसका सर था जो मुझे दिखा, बिल्कुल उसका हेड होता है। और मेरे को पीछे भी देखना था भाई, पीछे से वो लोग शूट कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखो थैंक गॉड इसने मेरे को देखा नहीं, नहीं तो मैं बड़ी इजीली मार सकता था। मेरे को हेलमेट वेस्ट तो है ही नहीं मेरे पास, लेकिन अभी खत्म है। 6 गोली थी, मैंने सोचा इसी को खत्म करने में यूज कर लेता हूँ, ये भी खत्म हो जाएंगी। यहाँ से मैंने फटाक से स्कारल उठाई, थैंक गॉड। M16 उंगली दुख जाती है भाई इसको चलाते चलाते, इससे बढ़िया मेरे को Mini-14 लगती है कसम से। अगर मतलब तुम 6-7 गोली कनेक्ट कर रहे हो तो बंदा नॉक तो हो जाएगा। अब देखो पीछे की तरफ एक और बंदा भी था, अगर आपको याद हो, जब मैं फिर उठा घर पर शूट करने गया था तो मैं डबल माइंडेड हो गया था, डबल माइंडेड हुआ था बिकॉज 2 बंदे थे ना यार यहाँ पे डबल। अरे भाई मैं आ चुका हूं यार, जिस डेडिकेशन के साथ ये बंदा बोटों को मारा था उसी डेडिकेशन के साथ अगर मैं रियल प्लेयर्स को मारू ना यार, तो मेरे मैं बता रहा 20+ किल्स रोज होता है। क्या था ये बंदा, इसके साइड में आ गया तो मैं हेलो बोल दिया इसको मैंने ऑलमोस्ट, उसके बाद भी बंदे ने शूट नहीं करा, तब जाके शूट करा जब ये ऑलमोस्ट नोक हो चुका था। कोई नहीं, मैं आगे की तरफ आ चुका था। अब और सच में गाइस इतने सारे बोट्स हो रखे ना यहाँ पे, मैं समझ नहीं पा रहा था कहाँ पे रियल है, लेकिन स्कारल वाले बंदे ने इस तरह से स्कारल चलाई मैं समझ गया कि हाँ यहाँ पे कोई है। और स्कारल से मेरे को बहुत कुछ याद आ रहा है, वही पिछले वाला मैच, क्या ये बंदा वही तो नहीं, बिल्कुल दूसरे रूप में मेरे को मारना है। फिर से स्मोक फेंका मैंने ऊपर जिससे कि थोड़ा अंधेरा हो जाए, अंधेरा नहीं उजाला ही हो जाता है एक तरह से स्मोक से, सफ़ेद सफ़ेद, लेकिन हाँ बंदे को मैं दिखूँ ना, पर ये उस तरफ पूछ चुका था।
ऐसा मुझे लगा था, लेकिन नहीं, मेरे को फिर भी डाउट था कि वो अंदर की तरफ हो सकता है, इसलिए मेरा क्रॉस एयर वहीं पे था कि जैसे निकलेगा तभी शूट करना शुरू कर देंगे, और बिल्कुल मैं रेडी था, इसलिए मैंने बड़ी आसानी से बंदे को मार दिया। गेम को इतना अच्छा शुरुआत तो नहीं मिली स्क्वाड के साथ, बट स्टिल 4 किल्स बहुत है। बट अभी देखा जाए तो इसका बहुत ही गंदा मिड जा रहा है। तुम देखो मैं कहाँ बोटक बीच में, ये क्या कर रहा हूँ मैं, स्की पे लटके जा रहा हूँ, कोई मेरे को गाड़ी नहीं मिली। ओल्ड पैसेंजर जो गाड़ी थी वो भी निकल चुकी थी। थर्ड की तरफ कहीं पर भी कोई गाड़ी नहीं थी। अब इतना दूर कौन पैदल जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज पैदल ही बंदे को ढूंढ लेते हैं, और यहाँ मुझे कोई लेटता हुआ दिखा है ना, कोई तो था यहाँ पे, पता नहीं कुछ तो मुझे दिखा था। देखना मेरे को उस तरफ एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जिस बंदे को मैंने जस्ट अभी फिनिश करा है वो भी, यस फ्रेंड्स, वो भी यहीं पे शूट करता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सामने जो तुम टीम देख रहे हो, हाँ ये टीम है पूरी, एक दो बंदे नॉक्ड है और कुछ अपने पैरों पर भी खड़े हैं, एक तरह से पूरी स्क्वाड है यहाँ पर। क्यों, सही कहा ना, वहां पर शायद तुम्हें दो बंदे दिख चुके होंगे और एक बंदा नॉक्ड है, तो लगा लो भाई 4 बंदे तो हो ही सकते हैं। ओबे ये डब्ल्यू मुझे ही पड़ी है। अब मैंने बनाई एक स्मोक वॉल, बहुत सही साहिल है ना, एक स्मोक से कितनी बढ़िया स्मोक वॉल बन जाएगी। अब सुनना जरा, ये तुम बताना तुम्हारे हेडफोन्स में कहाँ से किस तरह से आवाज आई। मुझे यही लगा कि लेफ्ट साइड से चलिए सेंट्रल रोड की तरफ से, तुम अब सामने से भी चल रही है, सेंट्रल रोड से भी चल रही है, भाई इजीली नॉक हो जाता मैं। वो कवर अब कवर नहीं रहा था क्योंकि साइड से भी कोई शूट कर रहा था सेंट्रल रोड से। अभी मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए यार, मेरे पास कोई फर्स्ट एड वगैरह भी नहीं है, ये बंदे मेरी हालत टाइट कर देंगे। तो मैं आता हूँ इस तरफ, और अभी तक मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली थी, और ये दरवाज़ा खोलते जब मुझे वहाँ पे वो बग्गी दिखी ना गाइस, बता नहीं सकता, मेरी आंखें तो नहीं भर आई थी, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ था कि फाइनली एक गाड़ी मिली हमें इस गेम में। पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी देर तक मैं कोई गाड़ी ना मिली हो। गाड़ी लेकर अभी ऑफकोर्स जोन में जाना था, और तुम देख पा रहे होगे और तुम्हें पता है भले कितनी रिस्की सिचुएशन हो तो भी मेरे को बंदों के सामने से भागना अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल और यहां पर हुआ धोखा। मुझे लगा दो हैं पर भाई ये तो, नहीं भाई मैंने अपने टीममेट को फंसा दिया, खुद को भी फंसा लिया एक तरह से, लेकिन अभी भी मेरे पास बचा है समय, तो मैं टीममेट को मरने देना पड़ेगा भाई, मैं चाहकर भी नहीं बचा सकता। ऊपर से उन लेजेंड्स के पास एस्टल के भी है, वैसे देखा जाए तो इस मैच में ज्यादा किल्स हुए हैं नहीं, बट आई थिंक तुम्हें सर्वाइवल देखकर भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं इतनी बार फाइट कर चुका लेकिन किल्स बढ़ नहीं रहे और ना ही मैं मर रहा हूं, मतलब फाइनल डिसीजन निकल ही नहीं पा रहा है। वैसे मैं छुपने वाले काम बहुत कम करता हूं और मैं ज्यादा छुपा भी नहीं जाता, तो मैं जल्दी से निकलता जोन की तरफ, भाई निकलना ही था, नहीं जाता तो जोन काट देता। और अब ये बंदे काटेंगे भाई, कितने बेशरम बंदे हैं ना, 3-4 हैं, यूं नहीं जोन में निकल जाए, जोन में लड़ लेंगे ना, जरूरी है यहीं पे लपेटना, पर नहीं, सबके सब ने मेरे पे एम कर रखा था इन्होंने। AW मैंने रिलोड करी और ये भी ज्यादा कुछ काम की है नहीं, बिकॉज 6x स्कोप नहीं है और 3x इतना गंदा लगता है ना मेरे को, इससे बढ़िया मेरे पास रेड डॉट होता है यार। यहाँ पे मैंने स्मोक फेंका क्योंकि मुझे पता था काफी ओपन में एरिया है, स्की करके जाऊंगा तो भी 3 बंदे मेरे पे एम कर रहे हैं, तो किसी ना किसी का गलती से लग भी गया तो सेट टू में। बड़ी स्मार्टली एक बंदे को नॉक करा क्योंकि मेरे पास जब शैक का कवर था ना तो सिर्फ वही मुझे देख सकता था, और 1v1 में तो तुम्हारा भाई बस छोड़ो, ज्यादा नहीं खुद की तारीफ हो जाएगी। उन बंदों से भी मैं ऑलमोस्ट बच चुका हूँ, और कसम से यार आज से पहले मैंने इतनी ज्यादा स्की नहीं करी यार। अभी भी बंदा गोली चला जा रहा है, रेड जोन का भी मेरे को डर था, लेकिन चलो रेड जोन से मैं बिल्कुल निकल चुका था, फाइनली जोन की तरफ जाऊंगा मैं, भगवान इतनी स्की आज तक नहीं करी। और सामने देखो भाई एक बंदा रेडी था मेरे लिए, इजिली मार देता। डैम भाई किस्मत बहुत गलत है आज, गलत नहीं कह सकते, वैसे बार बार साथ भी दे रही है क्योंकि मैं बच जाता हूँ हर बार, और इसका किल तो मिल जाए, इतनी देर से 6 हो रखे हैं भाई, मेरे को 7-8-10 किल करने हैं। और ये देखो ये बंदा ऊपर की तरफ आ चुका तो चालाक बनने के लिए, लेकिन इसको कहीं से केना नहीं पड़ती है बेटा, खत्म हो जाएगा, आजा नीचे, वापस से लगी, मतलब जरूरी नहीं उसको पड़ी हो, बट स्टिल यार बंदे को नीचे आ जाना चाहिए अभी तक। मैंने सोचा ठीक है तू नीचे मत आ, मैं ही ऊपर आ जाऊंगा, केना वाले से मेरे को डर नहीं लगता। लेवल 3 का सारा माल मेरे पास,
पर अभी नीचे कुछ आता है। कोई नहीं कोई नहीं, पकड़म पकड़ाई खेलने का शौक है ना तुम्हें, तो मैं भी पकड़म पकड़ाई खेलता हूँ। ये ऊपर गया, मैं नीचे की तरफ आ गया, लेकिन अब मैं ऊपर आया तो फिर नीचे चला गया। यार क्यों पका रहे हो मेरे को, जनता भी पक रही है, सीधा डू और डाई करो ना। शॉट लगा भी कि नहीं, डैमेज रजिस्टर नहीं हो मेरे ख्याल से। बहुत ही बढ़िया साहिल, फाइनली ये 6 से 7 हुआ। अब मेरे को केनन वाले का डर था पीछे कहीं से वो मार सकता है, कोई नहीं अभी तो सब कुछ कंट्रोल में है। फर्स्ट एड लगा लूंगा, जोन इतना तगड़े वाला भी नहीं काटने वाला। और ऊपर शुभ स्कोर हो चुका 7-7 का, और अब जाके मैं जोन में एंट्री लेता हूँ, पहले भी ले चुका था। कसम से यार इतना ज्यादा मैच्ड अप था ना सब कुछ, कोई बंदा लिटरली यार इतना ज्यादा डिफेंड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं करा ना, इतना ज्यादा मैं भागा। मैं अटैक करना चाहता हूँ लेकिन सोचा वहां पे मैं शूट कर रहा था तो ये जो पीछे से बंदा एकेम चला रहा है ये मेरी कहानी सेट कर देता, मतलब मैं कहीं पे कुछ नहीं कर सकता। अब एक तो जोन भी एक तरह से ओपन में बना है, मैंने सोचा स्की करके वो शैक पकड़ लेता बट फिर पता चला जोन में है ही नहीं वो शैक, वापस जोन आएगा तो फिर मेरे को पैदल जाना पड़ेगा, तो क्यों ना ये गाड़ी उठा लेते हैं। भाई क्या बताऊँ, ये मैच भले किल्स नहीं हो रहे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अभी तक सर्वाइव भी कैसे कर रहा हूँ, है ना। इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बढ़िया, तुम असली पबजी लवर हो। मेरे हिसाब से जो बढ़िया बहुत डिफिकल्ट सर्वाइव करके अगर किल्स लिए जाते हैं ना वो ज़्यादा बेटर रहता है गेम प्ले। जैसे कि ये कितनी देर बाद एक भर के डैमेज दिया, क्योंकि मुझे पता था शायद मैं कभी भी मर सकता हूं, तो जितना जल्दी अपने किल सिक्योर कर लूंगा सही रहेगा। उसको मैंने बहुत डैमेज दिया, मर जाएगा वो आसानी से। स्मोक फेंक लिया मैंने क्योंकि जोन आ चुका है। इस गाड़ी में बैठ के मेरे को आगे की तरफ खिसकना है। स्कोपिंग करा मैंने उस तरफ की, क्या पता कोई गया वहां पे, बैठ नहीं मुझे मेरा किल मिल जाता, थैंक यू। और अब मेरा प्लान बस यही था, मेरे अलावा दो ही बंदे बचे रखे हैं, इजिली हो सकता है अगर मैं किसी को गाड़ी से कुछ जल्द ना तो उसके बाद मैं बड़ी आसानी से देख लूंगा, ठीक है ना। यहां मुझे एक बंदा दिखा और हाँ गाड़ी की हेल्प मैंने नज़र मार ली थी, लेकिन ये साइड में एस्टल के वाला भाई गाड़ी फोड़ गया, इतना क्या बताऊँ। नहीं करता किचन डिनर, सर्वाइवल के लिए बताना भाई, एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। माना किल्स नहीं हो पाए बट यहाँ तक सर्वाइव करके वो भी बहुत बड़ी बात ही वाले मैच में। गुड बाय।